Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the sixth video of module 1. Module 1 का आज ये sixth video है. तो आज हम एक top 5 stocks को जानने से पहले एक जान लेते हैं कि आज किन stocks ने एक अच्छा for the day, एक intraday के हिसाब से बहुत अच्छा momentum दिया था. Let's see those stocks before going for the 5 stocks, okay? सो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो ये स्टॉक है भारती हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जिसे हम कहते हैं. तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे फॉर टुडेज डे इटसेल्फ द स्टॉक हैज गिवन एन अपसाइड ट्रेंड ऑफ 12 to 13%. 12 से 13% का एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने एक ही दिन में दिया था. सो दिस इज द यू कैन सी अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम. डेफिनेटली जिन जिन स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स ने इस स्टॉक में ट्रेड किया होगा तो देयर कैपिटल वुड हैव यू नो देयर प्रॉफिट वुड हैव बीन 2 to 3 times. सो ये दिस इज द रीजन व्हाई यू नो यू शुड ट्रेड और यू शुड यूज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ मोमेंटम. एंड दिस इज द स्टॉक विच वी वर डिस्कसिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक नंबर 2 विच वॉज ऑल्सो विच इज ऑल्सो बीन सजेस्टेड इन मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 3 में ये स्टॉक सजेस्ट किया है ऑलरेडी 7 से 8 महीने के एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए. सो डेफिनेटली आप अगर इस स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक ने एक ₹10.40 का एक हाई बना के द स्टॉक हैज गिवन अ क्लोजिंग एट ₹10. ओके, सो एक क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो 10 से 11% का आप एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हो. ये स्टॉक ऑलरेडी सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 में फॉर द टारगेट ऑफ ₹8.60. एंड डेफिनेटली स्टॉक ने एक उसका एक पॉजिटिव मोमेंट में एक ही दिन में स्टॉक ने ऑन दी 25th of August एक ही दूसरे ही दिन स्टॉक ने 10% का एक अपसाइड मोमेंटम दिया था. एंड उसके बाद फिर स्टॉक वेंट इनटू दी बिट ऑफ कंसोलिडेशन, 3 से 4 दिन के लिए कंसोलिडेशन में चला गया. एंड नाउ द स्टॉक हैज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ ₹10. सो डेफिनेटली जिन जिन लोगों ने एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा होगा द स्टॉक इज स्टिल एट द गुड प्राइस टू बाय फॉर द टारगेट ऑफ 16 to 17 rupees एज सजेस्टेड इन मॉड्यूल 3. सो दिस वॉज ऑल अबाउट glimpse of today's market. Let's talk about our top 5 stocks, starting with our stock number 5, which is UPL Limited. So guys, ये रहा graph UPL Limited का. Screen के ऊपर आप देख सकते हो. एक stock की history हम जान लेते हैं before suggesting the target and stop loss. So stock एक 3 July के आसपास trade करा था 680 के आसपास. After that the stock गेव अ डाउनफॉल टिल 18th of August. मतलब एक 1.5 महीने तक स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल में ही था. सो डेफिनेटली स्टॉक ने क्लोजिंग दिया 578 के आसपास. एंड वी कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज तो 16 से 17% का डाउनफॉल स्टॉक ने दिया. एंड आफ्टर दैट फ्यू डेज बैक एक 21 अगस्त के आसपास स्टॉक ने फिर अभी के रिसेंट प्राइस तक एक बाउंस बैक दिया है. वी कैन एस्टिमेट इट एज 3 to 4%. 4% का एक बाउंस बैक देने के बाद नाउ स्टॉक हैज गिवन अ बुलिश क्लोजिंग. आज की कैंडल जो है वो बुलिश है, आप यहाँ पे देख सकते हो. एक स्टॉक ने 2% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है. नाउ अगर हम इस स्टॉक को अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एट द प्राइस ऑफ 603 अगर हम एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली आप ये 680 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में. सो 680 का ये स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मैं मार्क करके देता हूं. सो दिस इज द टारगेट, सॉरी दिस इज द टारगेट फॉर द स्टॉक. ओके, तो ये रहा टारगेट के हिसाब से. दिस इज द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स. परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू कुड गेट अ रिटर्न ऑफ 13 to 14% इन द स्पैन ऑफ 1 month. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट. लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स. अगर स्टॉक ऑप्शन वालों को इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 578 का ये स्टॉप लॉस आप कंसिडर करके इस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो. सो दैट्स इट अबाउट आर स्टॉक नंबर 2. लेट्स टॉक अबाउट आर सॉरी दैट्स इट अबाउट आर स्टॉक नंबर 5. लेट्स टॉक अबाउट आर स्टॉक नंबर 4 विच इज डॉक्टर पाथ लैब. सो गाइज ये रहा ग्राफ डॉक्टर लाल पाथ लैब का. दिस स्टॉक इज एज स्टॉक नंबर 4. तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे कि एक 28 जुलाई से लेके टिल 31st of August. ओके, फॉर लास्ट
होल मंथ पिछले पूरे एक महीने के लिए पूरे अगस्त का महीना स्टॉक वाज इन अ नेगेटिव मोमेंटम, एक डाउनफॉल आप कह सकते हो इफ यू कैलकुलेट हियर, तो आपको एक 13% का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली एक पिछले 4 दिनों से स्टॉक उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ओके एंड इफ यू लुक एट द अपसाइड ट्रेंड, अगर आप अपसाइड वैल्यू को देखोगे तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 2500 के आसपास, 2500 का एक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके सो दिस इज द टारगेट फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स इन टू दिस स्टॉक। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो टेल द टारगेट ऑफ 2500 तो आपको डेफिनेटली एक 13 से 14% का रिटर्न मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 1 month। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट, लेट्स टॉक अबाउट आर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना है दिस सपोर्ट लाइन एज अ स्टॉप लॉस, 2080 के आसपास ये स्टॉप लॉस आपको कंसिडर करके आप इस स्टॉक में you can trade it in the form of stock options. So this is all about our stock number 4. Let's talk about our stock number 3, which is Mahindra and Mahindra Financial Limited. So guys, ye raha graph Mahindra and Mahindra Financial Services ka. So before going for the target and stop loss, ek stock ki ek technical history dekh lete hain. To yahan pe screen pe aap dekhoge कि 4 जुलाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था 343 के आसपास। सो टिल दी 18th of August तो स्टॉक आया है 275 के आसपास। अगर आप देख लेंगे तो एक फॉर द लास्ट 1.5 month एक 1.5 महीने तक स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउनफॉल में ही था। 21 to 21% स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था एंड डेफिनेटली एक 21st of August मतलब पिछले ही हफ्ते में स्टॉक ने एक 4 ही दिनों में एक 10 to 11% का ये अपट्रेंड यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। फॉर द कंटिन्यूअस 4 days द स्टॉक वाज इनटू द अपट्रेंड। ओके सो ये अपट्रेंड देने के बाद स्टॉक एक हल्का सा एक रिट्रेसमेंट या फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया एंड डेफिनेटली लुकिंग टू द टुडेस क्लोजिंग, आज के अगर क्लोजिंग देखोगे तो स्टॉक ने एक कंप्लीटली लो कवर अप करके लो क्रिएट करके स्टॉक ने एक आज के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो लुकिंग टू द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द स्टॉक एंड टुडेस क्लोजिंग डेफिनेटली ये स्टॉक एक अपसाइड टारगेट के लिए जा सकता है। सो रिगार्डिंग टू द टारगेट, अगर आप टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहोगे स्टॉक में तो इट वुड बी द रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस आप कह सकते हो। द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक इमीडिएट वो है 345 to 346 के आसपास। तो ये है टारगेट ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर के लिए। फॉर द इन्वेस्टर्स इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट द रिटर्न ऑफ 16 to 17% विद इन द स्पैन ऑफ 1 month। ओके एक मंथ के स्पैन में आप 16 से 17% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर द इन्वेस्टर्स लेट्स टॉक अबाउट आर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। तो अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करना है 270 का। ओके स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको ये मार्क करके दिया है जो एक इमीडिएट सपोर्ट था स्टॉक का, जिस जोन से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया है उसी प्राइस रेंज को हम सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस कंसिडर करके इस स्टॉक ऑप्शन में हम ट्रेड करने वाले हैं। ओके द स्टॉप लॉस इज 272 and the target is 345 for the stock option traders into this stock. Okay, so this is all about Mahindra and Mahindra Financial Services. Let's talk about our stock number 2, which is Cummins India Limited. So guys, ye raha graph Cummins India ka. Screen ke upar aap dekh sakte ho, ek technically stock ki thodi history dekh lete hain. From 1st of August till 25th of August मतलब एक पूरे महीने के लिए स्टॉक ने एक 13 to 14% का डाउनफॉल दिया था। ओके इट वाज कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग एट नेगेटिव मोमेंटम। तो ये एक मोमेंटम देने के बाद स्टॉक वाज रिसेंटली गोइंग इनटू द कंसोलिडेशन फेज फ्रॉम 9th of August, उसी के दरमियान स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अगर आज की क्लोजिंग देखोगे तो एक स्टॉक ने गैप डाउन क्लोजिंग दे के द स्टॉक हैज गिवन पॉजिटिव गैप डाउन ओपनिंग दे के स्टॉक हैज गिवन अ पॉजिटिव क्लोजिंग। ओके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक आज के दिन के लिए स्टॉक ने एक कैंडल हैमर कैंडल फॉर्म किया है। ओके सो
looking to this formation, definitely it gives an indication for entry into the stock. Okay, एक bullish uptrend की एक indication, एक hammer candle indicate करता है. So definitely आप अगर इस indication को consider करके आप इस stock में एक investment या trading के लिए एक buying कर सकते हो. So definitely the stock is trading at 1706, एक 1706 के आसपास. यहाँ पे आप देख सकते हो stock एक 1706 के आसपास closing दी है. So अगर आपको इस stock में trade करना है या फिर invest करना है तो definitely you can expect a target of 1980. ओके, तो 1980 के आसपास आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में. तो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर इन्वेस्टर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट फॉर द टारगेट ऑफ 1980, 1980 तक का आप अगर टारगेट के लिए इस स्टॉक को होल्ड करते हो एट द करंट प्राइम बाइंग प्राइस, तो डेफिनेटली आपको एक 17-18% रिटर्न मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 1 month. ओके, सो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक एज स्टॉक नंबर 2, क्योंकि एक महीने के ड्यूरेशन में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम ये स्टॉक अभी दे रहा है एंड इट इज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड मोमेंटम. सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट. लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स. स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा 1615 के आसपास. ओके, इफ यू लुक आउट हियर वी कैन डेफिनेटली कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 1615. ये रहा स्टॉप लॉस 1 एंड द स्टॉप लॉस 2 इज 1560 के आसपास. ओके, सो लुकिंग टू द करंट डाउनफॉल, डेफिनेटली आप एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो. आज के एक स्टॉक के क्लोजिंग की वजह से आप एक हैमर कैंडल जो क्रिएट हुआ है एंड that is the reason why you know we are indicating the stock into the bullish trend with the buying indication. So this is all about our stock number 2. Let's talk about our stock number 1, which is Can Fin Homes Limited. So guys, ye raha graph Can Fin Homes ka. This is the stock number 1 for today's module. So let's check it out. Technically हम देख लेंगे ये stock हम क्यों suggest कर रहे हैं and what could be the target as well as stop loss for stock option traders. Okay, so अगर हम एक recent history देखेंगे, recent past देखेंगे इस stock का, तो definitely stock एक 910 का एक high बना के the stock immediately gave gap down on the next day for the closing value of near about 772. 772 का ये क्लोजिंग दिया. अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये 10% का डाउनफॉल दिया है, नियर अबाउट 9-10% का डाउनफॉल दिया. एंड आफ्टर दैट एक स्टॉक ने डाउनफॉल का मोमेंटम जो था वो खत्म किया. एंड राइट नाउ इफ यू लुक एट द करंट फेज ऑफ द मार्केट, एक 28 जुलाई से टिल द करंट डेट द स्टॉक इज इन टू द स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन. तो पिछले पूरे ऑगस्ट महीने में स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में था. एंड राइट नाउ इफ यू लुक एट द स्टॉक, अगर स्टॉक का हम करंटली देखेंगे तो स्टॉक ने एक हायर लो बनाया है. द स्टॉक इज क्रिएटेड अ हायर लो. अगर स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक एक हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है. एंड दिस इज द रीजन वाई वी आर ट्राइंग टू सजेस्ट द स्टॉक एज इन अ पॉजिटिव ट्रेंड. ओके, अगर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 910 का. यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 900-910 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 month. एक अगले एक महीने के ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक आपको 900-910 का टारगेट आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हो. फॉर द इन्वेस्टर्स, इफ यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, डेफिनेटली यू कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 18-19% विद इन द स्पैन ऑफ 1 month. विद इन एक महीने के ड्यूरेशन में ही आपको ये स्टॉक अगर 910 का टारगेट अचीव कर पाता है तो आपको 18-19% रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट. लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग. अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो द नियरेस्ट या फिर यू नो रिसेंट लो जो स्टॉक ने क्रिएट किया था, विच वी कैन कॉल इट एज अ सपोर्ट जोन. तो 700, यू नो, सो दैट्स 700-703 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके इस स्टॉक में आप स्टॉक ऑप्शन के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 900-910. सो दिस इज द रीजन वाई वी हैव सजेस्टेड कैन फिन होम एज स्टॉक नंबर 1, बिकॉज यहाँ पे एक कंटिन्यूस डाउनफॉल देने के बाद
पिछला पूरा महीना स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था एंड डेफिनेटली द मोर द स्टॉक इज इन टू द कंसोलिडेशन द स्टॉक इज गोइंग टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. इट माइट बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव बट एक बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक दे देता है. ओके सो दिस इज द रीजन वाई वी हैव सजेस्टेड कैंपिन होम एज अ स्टॉक नंबर वन. एंड as I conclude my video with the personal suggestion, start investing into the stock market first and then go for the trading. Stock market mein pehla nivesh karna chalu kijiye and only after that aap trading karna to go on for trading. So that's it for today's video. See you in the next video. Stock market ke aise hi informative videos ke liye video ko like, channel ko subscribe aur ye video ke link apne doston ke sath zarur share karna. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल का बेल आइकन को जरूर दबाना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन.